चलो लिखो, अर्थात अर्थात अनुप्रस्थ तरंग के, उसके नीचे अर्थात अनुप्रस्थ तरंग के, अर्थात अनुप्रस्थ तरंग के सममिति सिमेट्री सिमेट्री में कमी को, में कमी को ध्रुवन कहते हैं। तरंग के सममिति में कमी को, कमी को ध्रुवन कहते हैं। चलो अगला पॉइंट है, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, कंपन तल, कंपन तल लिखो। कंपन तल लिखो, प्रकाश के गमन की दिशा, प्रकाश के गमन की दिशा, प्रकाश के गमन की दिशा एवं वह दिशा, वह दिशा जिसमें प्रकाश कंपन कर रहा हो, एवं वह दिशा जिसमें प्रकाश कंपन कर रहा हो, कंपन कर रहा हो, कंपन कर रहा हो, से बनने वाले तल को, से बनने वाले तल को, से बनने वाले तल को, तल को कंपन तल कहते हैं, कंपन तल कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। अब देखो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इसको बोलते हैं ध्रुवन तल, ध्रुवन तल। चलो लिखो, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के गमन की दिशा, प्रकाश के गमन की दिशा, प्रकाश के गमन की दिशा, प्रकाश के गमन की दिशा एवं, एवं वह दिशा, वह दिशा जिसमें, जिसमें प्रकाश, जिसमें प्रकाश कंपन नहीं कर रहा हो, कंपन नहीं कर रहा हो, कंपन नहीं कर रहा हो, से बनने वाले तल को, कंपन नहीं कर रहा हो, से बनने वाले तल को, बनने वाले तल को, तल को ध्रुवन तल कहते हैं, ध्रुवन तल कहते हैं, ध्रुवन तल कहते हैं। देखो बाबू, थॉट्स का पहला पॉइंट मैंने बोला, प्रकाश यानी तरंग संचरण की दिशा स्टार के फॉर्म होता है। अरे होता नहीं, ऐसे ऐसे चलता है तरंग, तरंग कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है तरंग, क्लियर, ये ऐसे चलता है तरंग, चल रहा है तो दिक्कत, इसको ज्यादा बना दिया, इसको बना रहा हूं, दिखना भी चाहिए ना तुमको क्या हो रहा है इसके अंदर में। देखो तरंग के संचरण की दिशा है, माने संचरण की दिशा ऐसा होता है, ऐसा चलता है, स्टार फॉर्म में चलता है लाइट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, ये कागज का तल है, कागज तल के समांतर जब कंपन करेगा तो लाइट हमको दिखेगा। ये देखो,
ये समांतर कंपन कर रहा है। क्लियर? कैसा कर रहा है? कागज के तल के समांतर कंपन, कागज तल के समांतर कंपन। कोई दिक्कत? दूसरा दे, तीसरा देखो, ये कागज का तल है, इस पर लंबवत कंपन माने ऐसे गिर रहा लाइट, देख ले हो, ये ऐसे गिर रहा तो बिंदु बनेगा, बनेगा जी? अरे बोलता नहीं है? ये कागज तल पर, कागज तल पर, कागज ना, कागज तल पर लंबवत कंपन। चलो उठाओ, चलो लिखो। अब आ रहा हम लोग एंगल ऑफ पोलराइजेशन, लिखो तो, या पोलराइजिंग एंगल भी बोलते उसको, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजिंग एंगल भी इसको बोलते ध्रुव, स्मॉल आई पी या आई बी, एंगल ऑफ विस्टर्स भी बोलते हैं इसको, या पोलराइजिंग एंगल, ध्रुवन कोण, लिखो तो। आपतन कोण का वह विशेष मान, आपतन कोण का वह विशेष मान, विशेष मान जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश पूर्णतया, 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 पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, समतल, परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है। आपतन कोण के उस मान को, आपतन कोण के उस मान को, आपतन कोण के उस मान को, उस मान को, मान को ध्रुवन कोण कहते हैं, ध्रुवन कोण कहते हैं। देखो, हाँ, ये MBBI होगा, दो नंबर में पूछता है, ब्रूस्टर्स ऐसे लिखा जाता है, लो क्या लिखा पढ़ो तो, बूस्टर का नियम। ब्रूस्टर्स लो, ब्रूस्टर्स नियम, चलो लिखो तो, लिखो बूस्टर के अनुसार, ब्रूस्टर के अनुसार, ब्रूस्टर के अनुसार, ब्रूस्टर के अनुसार, ब्रूस्टर के अनुसार किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ध्रुवन कोण की स्पर्श पर लिख दिए हैं, ध्रुवन कोण के स्पर्श जया, टेंजेंट, टेंजेंट लिखा हुआ, ये टेन जेंट स्पर्श जया, टेंजेंट, क्लियर? ध्रुवन कोण के स्पर्श जया टेंजेंट के बराबर होता है, के बराबर होता है। बूस्टर का नियम याद हुआ, दो नंबर में पूछता है ये, क्या होगा इसका, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श जया के बराबर होता है। देखो प्रूफ इसका, कर दोगे, क्या दिक्कत है, छोटा बात है ये,
देखो ध्यान से बाबू, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का नाम एन एन डैश दे दो, वो दिक्कत। मैंने बोला कि लाइट सपोज डेट ऐसे चलता है, देखो यहां पर देखो, लाइट ऐसे चलता है, ए पी ऐसे जाएगा मीडियम चेंज होने पर, ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है, सपोज डेट मान लिया हूं, ग्लास माने कांच है, क्लियर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया हम लोग, हल्ला मत करो, देखो ये ध्यान से, तो पूर्णता हमारे पूरी तरह से रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कुछ रिफ्रैक्शन होगा और कुछ रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, तो कुछ रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट जो लाइट होता है देखो ध्यान से, ये ऐसा जाएगा, इसको बोलेंगे पूर्णता ध्रुवित प्रकाश, क्या बोलेगा, पूर्णता ध्रुवित प्रकाश, क्लियर। और ये जो है अंशतः ध्रुवित प्रकाश है, अंशतः ध्रुवित प्रकाश, कोई दिक्कत। ये आईपी होगा तो ये क्या होगा, आईपी होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, सीखो ध्यान से, ये तो समझ गए आप, ये कौन हो जाएगा आर, और ये करा 90 डिग्री, देखो बस समझ आ जाएगी बात आपको, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, नीचे ग्लास है, ऊपर क्या है, एयर है, वाटर है, सॉरी एयर है, नीचे कुछ भी हो सकता है, डेंसर मीडियम हो सकता है, ऊपर एयर मीडियम और नीचे डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में कुछ भी हो सकता है, वाटर भी आ सकता है और ग्लास भी आ सकता है, तो हम लोग ग्लास ले लिए यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा लाइट, ये क्या है, अंशतः ध्रुवित प्रकाश, ये अपवर्तित प्रकाश है, कौन सा, ये कौन सा है, अपवर्तित प्रकाश, और ये क्या है, परावर्तित प्रकाश, ये पूर्णता ध्रुवित होगा और ये अंशतः ध्रुवित होगा, अपवर्तित प्रकाश, क्लियर है। अब देखो इसमें बताओ, आईपी प्लस आर 90 डिग्री हो सकता है, क्यों नहीं होगा, इस तीनों कोण के योगफल 180 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग आईपी प्लस 90 प्लस आर इजिकल टू 180, तो आईपी प्लस आर इजिकल टू कितना, 180 माइनस 90, तो 90 आएगा, ये पक्का आएगा ना, आर इजिकल टू 90 माइनस आईपी, लिख सकता है इतना, आर के वैल्यू कितना निकल गया हमको, 90 माइनस आईपी, प्रूफ देखो, तो यानी आईपी प्लस आर इजिकल हो गया 90, तो आर इजिकल टू 90 माइनस आईपी, अब देखो साइन आर बराबर होता है साइन 90 माइनस आईपी, तो साइन 90 माइनस आईपी माने कॉस आईपी, साइन आर इजिकल टू कितना, कॉस आईपी, यही होगा। अब देखो स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हाँ स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आईपी बाय साइन आर इजिकल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे बोलना, यही ना होता, हाँ यही होता, साइन आईपी और साइन आर के क्या लिखोगे, कॉस आईपी लिखोगे, बराबर म्यू। अब देखो साइन आईपी बाय कॉस आईपी क्या होता, टेन आईपी, यही तो प्रूफ हमको करना था ना, तो टेन आईपी बराबर कितना म्यू, यही टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल है ना, इसी को बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, यही ब्रूस्टर का नियम है, कर लोगे, और ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ ये ब्रूस्टर का नियम है, यही बोलते हैं, यानी स्पर्श जया कौन, ध्रुवण कौन के स्पर्श जया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, इक्वल हो गया, एंड ऑफ चैप्टर, हाँ लिखो ना, समझा देते, चलो चैप्टर एंड कर गया, इतनी चीज थी पढ़ाने के लिए, चलो देखो सुनो ध्यान से, ये रे यहां पर गिरा तो कुछ रिफ्लेक्ट किया और कुछ ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ,
तो इसका नाम भी दे सकता है क्यू, लिख दो पी ओ क्यू आ गया, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे रे गिरा, ऐसे रिफ्लेक्ट किया, माने रिफ्लेक्ट ये वाला हुआ और रिफ्रैक्शन ये वाला हुआ ना। मीडियम चेंज होने पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होता है, और सेम मीडियम क्या होता है? परावर्तन होता है। तो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश परावर्तित प्रकाश होता है, और अंशतः ध्रुवित प्रकाश अपवर्तित प्रकाश होता है। क्लियर? आपने पढ़ा है ये, देखो ये एंगल प्रूफ करना हम लोग सीख गए, आईपी प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180। तो आर आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90, तो आर की वैल्यू 90 माइनस आईपी, यहाँ पर हम लोग साइन आर निकालेंगे तो कॉस आईपी होगा। अरे दोनों तरफ साइन लगाएंगे, साइन आर बराबर साइन 90 माइनस आईपी, तो साइन आर इज इक्वल टू कॉस आईपी फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन आईपी बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, पर स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है। तो आईपी तो आईपी रहा, साइन आर की वैल्यू क्या रखेगा? कॉस आईपी, तो साइन आईपी बाय कॉस आईपी इक्वल टू म्यू, यही टेन आईपी होता है, यही बूस्टर का नियम है। बताए थे किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यही ना। अरे बोला नहीं बुझा रहा, इसको अपवर्तनांक लिख लोगे, अपवर्तनांक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक किसके? ध्रुवन कोण की स्पर्श दया माने टेंजेंट होता है, दया माने साइन होता है, कोजिया माने कोस होता है, और स्पर्श दया माने टेन होता है। क्लियर? तो टेंजेंट के बराबर हो गया। चलो अब देखो मॉडर्न फिजिक्स आ रहा है।